नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी परिवार में। तो आपको पता ही है, राजनीति विज्ञान अपना आज आगे बढ़ाएंगे। और राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ विशेष बातों के लिए बता देता हूं मैं। एक बार पहले पन्ने क्या पढ़ा उस पर एक बार हल्के हल्का सा प्रकाश डाल लेते हैं। अपन ने पहले राजनीति विज्ञान के सामान्य परिचय पर बात की थी, और सामान्य परिचय पर बात करते हुए शासन व्यवस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, इस पे अपन ने विचार विमर्श किया था। वह राज्य कैसा होता है, राज्य के क्या क्या गुण होते हैं, राज्य बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, इन चीजों पे अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने देखा संवैधानिक विकास, भारत के संविधान का संवैधानिक विकास अपन ने देखा। और संवैधानिक विकास जब अपन ने देखा तो अपन ने 1773 से लेके 1935 तक के अधिनियमों की बात की। 1947 के अधिनियम के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि केवल स्वतंत्रता से संबंधित था, उसके बारे में अधिकतम बिंदु तब पढ़े जाते हैं जब अपन आधुनिक इतिहास पर विचार विमर्श करते हैं। आधुनिक इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन की जब विचार विमर्श करते हैं तो उस स्थिति में 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा जाता है। उससे आगे अपन ने क्या देखा, उससे आगे अपन ने जो जो देखा वो देखा संविधान सभा। संविधान सभा में अपन ने संविधान सभा के प्रारंभिक इतिहास से लेकर संविधान सभा की अंतिम बैठक तक अपन ने बात की। अपन ने देखा हस्ताक्षर कितने किए, उपाध्यक्षों के बारे में अपन ने चर्चा की। और उपाध्यक्षों की चर्चा करते हुए मैंने ये भी बताया कि कौन सी समितियां थी, वह केवल तीन समितियों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तीन समितियों के बारे में इसलिए चर्चा की क्योंकि समितियों का टॉपिक छोड़ना मैं नहीं चाहता था। पूरे बिंदु आपको इसलिए नहीं बताए गए क्योंकि जब क्वेश्चन सेशन करेंगे तो उसके लिए भी कुछ चीजें आपके लिए अलग से छोड़ी गई है, क्योंकि उसमें तब तक अपन क्वेश्चन सेशन में कुछ बिंदु छोड़ के नहीं चलेंगे ना, तब तक अपने को क्वेश्चन निकालने के कुछ भी बेनिफिट सामने नहीं आएंगे। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चनों के उत्तर देते रहते हैं ना तो क्या लगता है कि अपने को सारा आता है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अपने को क्या लेवल लेके चलना है, क्या लेवल लेके नहीं चलना है, ठीक है दोस्तों, इस सब का डिसीजन समय समय पर कर लिया जाता है और समय समय पर आपके हिसाब से डिसीजन किया जाएगा। अब आगे की बात आपको सामने दिख रही होगी, भारतीय संविधान की प्रस्ताव। तो ठीक है दोस्तों, अपन ने वो बात की जो आप मैंने आपको समझा दिया। अब देखिएगा, मैं बात कर रहा था आपसे किस बात की, मैं आपसे बात कर रहा था कि संविधान का प्रारंभ किसका, संविधान का प्रारंभ, संविधान का जो प्रारंभ होता है ना वो किससे माना जाता है, संविधान का प्रारंभ माना जाता है प्रस्तावना से। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से माना जाता है, ठीक है। तो एक चीज तो याद रखना कि भारतीय संविधान का प्रारंभ किससे होता है, प्रस्तावना से होता है। और यहां भी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है भारत का, क्योंकि प्रस्तावना आपके सामने इसीलिए लिखी गई है। आप एक बार प्रस्तावना को देख लें, आप एक बार प्रस्तावना को देख लें कि प्रस्तावना में हम किन किन बातों की चर्चा करेंगे, वो बातें सारी प्रस्तावना के अंदर निहित होती। जैसे संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, संविधान में जितने भी, जैसे मान लो कोई कोई बुक 400 पेज के संविधान की किताब है, कितने पेज की है, 400 पेज की। अगर अपन संविधान की प्रस्तावना देखें, ये आपके लिए उदाहरण बता रहा हूं मैं, अगर 400 पेज की जो बुक है, ठीक है, उसकी जो प्रस्तावना देखें तो पता क्या लगता है कि इस बुक में 400 पेजों में अपने को क्या पढ़ना है वो एक पेज में लिखा हुआ मिलता है, वही क्या कहलाती है, प्रस्तावना। मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना में, संविधान में निहित सभी प्रकार के न्याय, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं व सभी प्रकार की समानताएं, इन सबका उल्लेख, और यहां तक कि संविधान के लागू होने की तिथि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। संविधान के लागू होने के किसका उल्लेख भी है दोस्तों, संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख भी किया गया है। और तिथि के साथ साथ एक चीज और बता दूं, संविधान में जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित जितनी बातें हैं उनका एक एक छोटा सा एक प्रकाश डाला गया प्रस्तावना में, कि उसका जीवन गरिमावान होगा कि नहीं होगा, वो बंधुता से अपना जीवन जिएगा कि नहीं जिएगा, इन सब चीजों पर प्रस्तावना में प्रकाश डाला गया। और प्रस्तावना में कुछ चीजें अपन ऐसे भी देखने वाले हैं कि प्रस्तावना में नागरिक शब्द का उल्लेख कितनी बार है, भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखें आप, अपन पहले चालू करते हैं प्रस्तावना की पृष्ठभूमि, किसकी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, ठीक है। आपको मैंने 13 दिसंबर 1946 की बात बताई थी, इस दिन क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है, इसी को क्या माना जाता है, प्रस्तावना का आधार, इसी को क्या माना जाता है, प्रस्तावना का आधार माना जाता है। और मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो जो बिंदु दिए गए थे उन्हीं के आधार पर
डॉक्टर बी एन राव ने बेनीगल नरसिंह राव जो थे उन्होंने संविधान का पहले प्रारूप तैयार किया था। उन्होंने संविधान का कौन सा प्रारूप तैयार किया था दोस्तों? संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। अब पहला प्रारूप तैयार करने के बाद क्या हुआ था, ये बात सारी बातें अपने संविधान सभा में विचार विमर्श और चर्चा की है। फिलहाल अपने को प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में बात करनी है, ठीक है दोस्तों? किसके परिप्रेक्ष्य में बात करनी है? प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में बात करनी है। तो देखिए आगे देखते हैं इसको। आपको मैंने बताया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो 22 जनवरी को पारित हुआ, ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। अब आगे सुनिएगा। जो प्रस्तावना का आधार जो माना गया था ना, आधार तो मान लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसका आधार होगा? प्रस्तावना का आधार होगा। प्रस्तावना संविधान में जोड़ भी दी गई, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग होगा नहीं होगा, ठीक है? अगर प्रस्तावना में कभी संशोधन किया जाता है तो कौन करेगी, ठीक है? जो संशोधन किया जाएगा प्रस्तावना में वो कैसे होगा, उसका उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्या प्रस्तावना में जो संशोधन किया जाएगा उसमें कोई किसी विषय वस्तु का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, ऐसी कुछ भी चीजें संविधान सभा द्वारा स्पष्ट नहीं की गई थी। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा ऐसी कोई चीज स्पष्ट नहीं की गई थी। तो आप ये कहोगे कि सर फिर नहीं की गई थी तो फिर संविधान जो प्रस्तावना में अगर संशोधन करना हो तो क्या होता है? यही तो पृष्ठभूमि पर बना रहे, यही तो क्या बना रहे हैं? पृष्ठभूमि बना रहे। आगे देखिए, पृष्ठभूमि के तहत आगे देखिएगा। प्रस्तावना के ऊपर कोई विचार विमर्श हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में जो प्रस्तावना है उसके ऊपर क्या केवल जोड़ने की बात कही गई थी और बाकी और कुछ बात नहीं की, सब परिस्थितियों पर छोड़ दिया गया। जब बेरुबारी वाद में क्या हुआ 1960 में था एक बात, तो क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगी। संविधान का क्या नहीं होगी? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगी। लेकिन आपको पता है, देखो ये न्यायालय है, ठीक है, यहां किस तरीके से आप अपने आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रूफ पेश करते हैं, इसके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। इसके बाद समय आया 1973 का। पहले से ही भूमि सुधार के संदर्भ में केस चलता आया था, मैंने आपको बताया, जिसका फैसला 1973 में आया था। इसमें क्या हुआ, ये था केशवानंद भारती वाला। क्या मामला था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है ना, किसका अंग होगी प्रस्तावना? संविधान का अंग होगी। किसका अंग होगी प्रस्तावना? संविधान का अंग होगी। एक तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना किसका अंग होगी? संविधान का अंग होगी या संविधान का भाग होगी। और इसमें क्या कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन करेगी कौन? संशोधन करेगी संसद। संशोधन कौन करेगी दोस्तों? संशोधन जो करेगी वो करेगी संसद करेगी, ठीक है? तो फिर से देख लें, बेरुबारी वाद 1960 के जो केस हुआ था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या नहीं होगी? अंग या भाग नहीं होगी। उसके बाद 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या होगी? एक अंग होगी या भाग होगी, वह प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और ये केशवानंद भारती वाला वही वाद है दोस्तों, आपको मैं फिर से बता दूं, केशवानंद भारती वाला वही वाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संविधान में अगर कोई संशोधन किया गया है और वो संविधान की आधारभूत संरचना को नुकसान पहुंचाए, किसको नुकसान पहुंचाए? संविधान की आधारभूत संरचना को नुकसान पहुंचाए, तो उस स्थिति में उस संपूर्ण संविधान को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा, या जो प्रभाव
या जो बिंदु या जो अनुच्छेद संविधान को नुकसान पहुंचाएगा किसी भी कानून का, उसको क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आधारभूत संरचना का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था, केशवानंद भारती वाले वाद में ही दिया गया था आधारभूत संरचना का सिद्धांत। आगे देखिएगा, आगे क्या हुआ, जब संशोधन की परमिशन मिली गई है तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ, इसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। किसमें संशोधन हुआ, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। प्रस्तावना में क्या हुआ दोस्तों, संशोधन हुआ। याद रखना ये एकमात्र था, ना तो 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ना इसके बाद कभी संशोधन, और वर्तमान समय तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार, केवल एक बार संशोधन हुआ, केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, केवल एक बार संशोधन हो चुका है। वो कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन में हुआ क्या, संविधान संशोधन। आपको पता है संविधान में संशोधन का मतलब क्या होता है, या तो संविधान से कोई चीज हटाई जाएगी, आई मेरी बात समझ में, संविधान संशोधन में क्या होता है, या तो संविधान से कोई चीज हटाई जाएगी या संविधान में कोई अन्य प्रावधान जोड़े जाएंगे। फिर से सुन ले, संविधान संशोधन के तहत या तो संविधान से कोई भी कानून या कोई भी धारा या कोई भी शब्द संविधान से हटाया जाता है, या उनकी जगह कोई दूसरा शब्द कानून या धारा दूसरी जोड़ी जाती है। ये सब कार्य किसमें होते हैं, संविधान के संशोधन में होते हैं। इसके तहत प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, कितने शब्द जोड़े गए, तीन शब्द जोड़े गए, तीन शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तीसरा कौन सा है दोस्तों, अखंडता। तीसरा कौन सा है दोस्तों, अखंडता। ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए थे, तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अरे एक दूसरी बात और चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सुनिएगा। आपके सामने प्रस्तावना दिख रही होगी, आपके सामने कहां कहां लिखा हुआ है समाजवादी, ये देखिए, ये रहा पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपको समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो बिल्कुल ऊपर ही मिल जाएगा, देख दिख रही होगी आपको, और अखंडता आपको नीचे दिख ही रहा होगा। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पत्र में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, ठीक है, पहले इस लाइन की चर्चा करो। चर्चा करते हुए मैंने क्या देखा कि पहले जो क्रम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है समाजवादी का। पहले क्रम में क्या आ रहा है, समाजवादी आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अखंडता आ रहा है, सॉरी उसके बाद आएगा पंथ निरपेक्षता, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, पंथ निरपेक्षता, और उसके बाद आएगा अखंडता। तो पहले नंबर पे आया समाजवादी, दूसरे पे आया पंथ निरपेक्षता, तीसरे पे आता है अखंडता। इनका क्रम आपको पता होना चाहिए कि पहले समाजवादी आएगा, पहले पंथ निरपेक्ष आएगा या पहले अखंडता आएगा, क्योंकि क्रम की जहां तक बात आती है तो प्रस्तावना से सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। किसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, प्रस्तावना में ऐसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिनमें क्रम को ध्यान में रखा जाता है। इनका क्रम अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन का उत्तर देने में आसानी महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब इसमें न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में किसकी बात की गई है, न्याय की बात। ये तो वो प्रावधान है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तीन जोड़े गए, और आपको मैंने बता दिया 42वें के अलावा संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में फिलहाल तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।
फिलहाल तो क्या नहीं किया गया है, कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, आगे का अपन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अंतर्यामी तो है नहीं दोस्तों अपन। देखिए न्याय, आप इसके आगे पढ़ें, बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, न्याय किसको प्राप्त होगा, नागरिकों को, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। पहला आएगा सामाजिक, कौन सा न्याय दोस्तों, सामाजिक, फिर आएगा आर्थिक और फिर आएगा राजनीतिक। फिर तो वही क्रम लगाते हैं, एक दो और तीन, तीनों को हमेशा एक ही क्रम में आना चाहिए। पहले एक नंबर वाली बात आनी चाहिए, फिर दो नंबर वाली बात आनी चाहिए, फिर तीन नंबर वाली बात आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं। ऐसे नहीं पहले राजनीतिक आ गया फिर आर्थिक आ गया बाद में सामाजिक आ गया, पहले आर्थिक आ गया फिर सामाजिक आ गया फिर राजनीतिक आ रहा है, या पहले सामाजिक आ गया फिर राजनीतिक आ गया फिर आर्थिक आ गया। कई स्थितियां बन सकती हैं इसमें दोस्तों, कई स्थितियां बन सकती हैं। अपने को स्थिति सिर्फ एक पता रखनी है कि पहले सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। सामने आपके सामने आपको डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा, देखिए ये एक नंबर, ये दो नंबर, अरे ये राजनीतिक न्याय तीन नंबर। ठीक है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब आगे देखिए, अपन ने न्याय की बात कर ली, अपन ने तीन प्रकार के न्याय की बात कर ली कि न्याय कितने प्रकार का दे रखा है, प्रस्तावना में न्याय दे रखा है तीन प्रकार का। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, स्वतंत्रता की। किसकी बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार की, पांच प्रकार की। देखिए कौन कौन सी, नंबर एक आपको सामने पढ़ने में आ रहा होगा विचार, आपको किसकी स्वतंत्रता होगी, विचार की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति, विश्वास, और कौन सी है, धर्म, और अंतिम है उपासना। आपके सामने मैंने जो प्रस्तावना में जो पांच प्रकार के जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं उनका मैंने क्रम बना दिया है दोस्तों, उनका क्या बना दिया है, मैंने एक क्रम बना दिया है। इसी क्रम के आधार पर आप, आपको बोलनी है, ये क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्रम में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। अधिकतर केसेस में क्या देखा गया है कि जब भी प्रस्तावना से क्वेश्चन आया है, कि जब भी प्रस्तावना से क्वेश्चन आया है ना, तो उसने कहीं ना कहीं इन शब्दों के क्रम को अव्यवस्थित किया है। शब्दों के किसको अव्यवस्थित किया है दोस्तों, शब्दों के क्रम को अव्यवस्थित किया है। तो अपने को मेन रूप से शब्द तो याद होने ही होने चाहिए, जैसे न्याय पूछ रहे तो तीन प्रकार का है, तीनों न्याय का क्रम अपने को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में पूछ ले स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, तो पांच प्रकार की होती है। आपको यहां तक नहीं, इतना भी पता रखना है प्रस्तावना में कि प्रस्तावना में सर्वप्रथम न्याय दिया हुआ है या स्वतंत्रता दी हुई है। तो आपको पता क्या रखना है कि प्रस्तावना में सर्वप्रथम न्याय दिया हुआ है और न्याय के बाद क्या दी हुई है, स्वतंत्रताएं दी हुई है। ठीक है, न्याय के बाद क्या दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है। आगे देखें, अब इनको आपको क्रम से याद रखना ही रखना है। एक बार देख लें आप इनको, विचार, आपको विचार की स्वतंत्रता होती है, जब अपन विचार करते हैं ना उनकी स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति का तो आप जानते ही हो, किसी भी चीज को प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। प्रकट आप किसी भी रूप में कर सकते हो। ठीक है, विश्वास ये भी आप स्वतंत्रता में ही आता है। धर्म, आप किसी भी धर्म को मानिए, ठीक है, उस धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, ठीक है, उसके अनुसार आप सभाएं ले सकते हैं, तो इन चीजों का भी योगदान है। उपासना, एक चीज आपको मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं, अधिकतर कभी भी आपको मैक्सिमम केस में क्या नहीं पूछेगा, वो ये कभी नहीं पूछेगा कि उपासना क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होती है, विश्वास क्या होता है। वो अधिकतर केसेस में कैसे पूछेगा, टुकड़ों में जोड़े बनाएगा, और जोड़े बना के, क्योंकि पहले तक क्या था 2017-18 से पहले तक क्या था, जब लोग कि पूछ लिया करता था कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वह स्वतंत्रताओं को का कौन सा क्रम सही क्रम है। अब क्या पूछता है,
कर्म तो वो देता है आपको, खुद को बताएगा वो कर्म क्या बताएगा आपको, खुद को बताएगा। फिर वो बाद में कहेगा दिए गए कर्म को जोड़ों में व्यवस्थित कीजिए, दिए गए कर्म को किस में व्यवस्थित कीजिए, जोड़ों में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि जो आपको कर्म देगा ना उसमें कुछ ना कुछ वो आपको ऐसी चीज जरूर देगा जो उसमें गलत होगी, या तो वो सम्मिलित नहीं है पूछेगा, या पूछेगा सम्मिलित है पूछेगा, लेकिन वो नाम लिख के कभी आपको नहीं देगा, पांचों नाम लिख के नहीं देगा। फिर तो जोड़े बनाने की आपको आवश्यकता कहां पड़ी, अगर वो पांचों नाम आपको उसने आपको लिख के दे दिए तो बताओ कहां आपको उसको जोड़े बनाने की आवश्यकता पड़ी। वो आपसे करवाएगा, वो गलत पैटर्न देगा आपके सामने, क्या पैटर्न देगा, गलत पैटर्न देगा, और गलत पैटर्न देने के साथ आपको वो सही पैटर्न इसको इसका करवाएगा। देखिए ठीक है दोस्तों, तो न्याय अपन ने कर ही लिया, और यहां से स्वतंत्रता अपन ने पांच प्रकार की जो होती है, तो न्याय कितने प्रकार का हो गया, यहां से तीन प्रकार का, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी, पांच प्रकार की होगी। अब समानता, समानता बोल दो या समता बोल दो, ये होती है दो प्रकार की, एक तो होती है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और दूसरी होती है अवसर। समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता व अवसर की समानता। समानता दो प्रकार, आगे मेरी बात समझ, देखिए स्वतंत्रता के नीचे ही दिया हुआ है समानता। अब आपको एक चीज और बता दूं, आपको फिर से सुन ले, पहले प्रस्तावना में न्याय आएगा, उसके बाद क्या आएगा, स्वतंत्रता, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, समानता, कि कितनी समानताओं का उल्लेख है, आई मेरी बात समझ। और समानता के बाद जो चीज आएगी वो क्या आएगी, वो सुनिएगा, ठीक है, अपन ने यहां तक तो देखा, इसके आगे देखिए, प्राप्त करने के लिए उन व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, शब्द देख रहे हो, भाईचारे का उल्लेख भी है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पहले भी पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाईचारे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है, तो कौन सा लिया गया है, बंधुता शब्द प्रयोग में लिया गया है दोस्तों, कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है, बंधुता शब्द प्रयोग में लिया गया है। आगे देखिए, अब इसमें अपन ने कहां तक देख लिया, अपन देखा बंधुता, आगे देखिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, मैंने बताया था आपको 26 नवंबर के बारे में 1949, 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 इसी दिन देखिए ये लिखा हुआ है, इसी दिन आप क्या कह सकते हो कि संविधान को अंगीकृत किया गया, क्या किया गया, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित, आत्मअर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 की तारीख दे रखी है, इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है उस तारीख से रिगार्डिंग, कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मअर्पित किया, मतलब है कि संविधान के लागू होने की दिनांक निहित है किसमें, प्रस्तावना में, लागू होने की दिनांक। दिनांक निहित है, किसकी दिनांक निहित है दोस्तों, संविधान के लागू होने की दिनांक निहित होती है किसमें, प्रस्तावना में, कितनी दे रखी है, 26 नवंबर 1949 दे रखी है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो थी संविधान की कुछ ऐसी बातें प्रस्तावना की जो आपके सामने विशेष रूप से लिखी हुई मिलेंगी, कुछ और भी बातें वो भी देख लीजिए, भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, यहां देख लेते हैं, प्रस्तावना में शब्द प्रयोग, प्रस्तावना में शब्द प्रयोग, प्रस्तावना में शब्द प्रयोग, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ है, तो पहले शब्द में मैं आता हूं भारत, देखिए प्रस्तावना आपके सामने लिखी हुई है उसमें केवल दो ही जगह आपको ऐसी मिलेगी जहां भारत लिखा हुआ है, और पहली ही, और वो भी कहां पर, पहली ही लाइन में, कहां पर,
शब्दों के प्रयोग की बात कर रहे हैं तो प्रस्तावना की जो पहली लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन समस्त नागरिकों को, फिर न्याय की बात, स्वतंत्रता की बात, फिर वह समानता की बात। यहां तक चाहे आप पूरी प्रस्तावना को पढ़ लें, पूरी प्रस्तावना को पढ़ने के बाद भी आपको केवल दो बार भारत लिखा हुआ मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? दो बार। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है नागरिक। पढ़िए और मेरे को बताइए कि नागरिक शब्द कितनी बार लिखा हुआ है। देखिए, आप अगर इसमें देखोगे तो नागरिक शब्द आपको एक बार ही मिलेगा। पूरी प्रस्तावना में आपको नागरिक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, वो एक बार मिलेगा। कितनी बार लिखा हुआ मिलेगा? एक ही बार आपको नागरिक शब्द लिखा हुआ मिलेगा। और कहां मिलेगा? देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, यहां तक एक आ गया। ठीक है, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने की बंधुता। व्यक्ति है ना, मैंने व्यक्ति की बात नहीं की, मैंने नागरिक की बात की है। मैंने व्यक्ति की बात नहीं की, यहां नागरिक की बात की है। और आपको व्यक्ति और नागरिक में अंतर भी पता होगा कि क्या होता है। नहीं पता होगा तो अभी बता दिया जाएगा। याद रखें आप कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग भी एक बार हुआ है, अलग अलग होती है। मैं आपको बता दूं, व्यक्ति और नागरिक, इसका इस शब्द का प्रयोग भी कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ। आप यही एक चीज देख लें कि व्यक्ति क्या होता है और नागरिक क्या होता है। नागरिक होता है केवल भारतीय, और व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति भारतीय तो होता ही होता है, प्लस विदेशी, प्लस विदेशी। विदेशी जो होते हैं वो भी व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर किसी को नागरिक शब्द से पुकार दिया गया है ना, तो जाहिर सी बात है कि जैसे मान लो किसी योग्यता में नागरिक लिखा हुआ है, तो उसमें कोई भी विदेशी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। उस पद पर कौन काम नहीं कर सकता? कोई भी विदेशी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का संविधान किस शब्द का संबोधन कर रहा है? नागरिक शब्द का संबोधन कर रहा है। कि नागरिक लिखा हुआ है तो वो केवल भारतीय ही उस पद के लिए एलिजिबल होगा। दोस्तों, आई मेरी बात समझ में? बंधुता के बारे में मैंने बता ही दिया कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में बंधुता शब्द भी उल्लेखित है, और तिथि के इसमें दिनांक के बारे में अपने चर्चा कर ही ली। अब अपने को बात करनी है तिथि की। अब अपने को किसकी बात करनी है दोस्तों? तिथि की बात करनी। अपन ने व्यक्ति की बात कर ली, नागरिक की बात कर ली। अब अपने को एक चीज देखनी है। वो क्या देखनी है? वो देखिए, आगे देखते हैं कि जो ये प्रस्तावना की ये है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये चीजें मतलब प्रस्तावना की भाषा किसकी? प्रस्तावना की दोस्तों, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अरे, एक मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ध्यान रखना कि संविधान का प्रारंभ किसका? संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होगा, प्रस्तावना से होगा। यह बात है ना, यह जो बात है, बात कौन सी है कि संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होगा। ऐसे ही भारत की संविधान सभा ने भी क्या सोचा कि संविधान का प्रारंभ अपन किससे करेंगे? प्रस्तावना से करेंगे। तो ये बात उन्होंने कहां से उठाई? ये बात उन्होंने ली अमेरिका से। ये बात उन्होंने कहां से ली दोस्तों? अमेरिका से ली। ये बात उन्होंने कहां से ली? अमेरिका से ली। और देखिए आगे, प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना संविधान का आदर्श प्रदर्शित करती है। संविधान का क्या प्रदर्शित करती है? आदर्श। प्रस्तावना हमेशा और हमेशा संविधान का आदर्श बतलाती है। और प्रस्तावना में कितनी प्रकार का न्याय है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितनी प्रकार की समानताएं हैं, इनके बारे में अपन ने विचार विमर्श कर ही लिया। संविधान में व्यक्ति शब्द कितनी बार है, ठीक है, नागरिक शब्द कितनी बार है, लोग शब्द जो कि एक बार है, इसमें संविधान लागू होने की दिनांक दी हुई है, संविधान लागू होने की तिथि दी गई है जो कि 2006 विक्रम संवत मानी गई है। मानी गई है क्या? होती वही है। अगर आप 26 नवंबर 1949 की तिथि निकालोगे तो यही निकल कर
आपके सामने आएगी दोस्तों। तो ये तो थी प्रस्तावना। प्रस्तावना में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपके लेवल के अनुसार बताए जाते हैं, तो आपके लेवल के अनुसार इसको हैंडल किया जाता है। तो कुछ बिंदु कैसे, जैसे प्रस्तावना को किस किसने क्या कहा, तो इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा है, ठीक है, कि इन चीजों की चर्चा अपन बाद में करेंगे। कब करेंगे, जब अपन एक अलग से बिंदु पढ़ेंगे। वो बिंदु कौन सा होगा कि संविधान के जो अलग अलग प्रावधान है, जैसे प्रस्तावना हुई, मौलिक कर्तव्य हुए, उसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तावना पहला बिंदु। फिर लिखेंगे कि प्रस्तावना के लिए किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कथन कहे। फिर लिखेंगे मौलिक कर्तव्य के लिए किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कथन कहे। नीति निर्देशक तत्वों के लिए किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कथन कहे। इन कथनों पर अपन को विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो करेंगे एक अलग बिंदु के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता हो पांच प्रकार के, पांचों के क्रम आपको पता होने आवश्यक है। न्याय है, उनके क्रम आपके पता होने चाहिए। जो दो प्रकार की समानता है उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। और जो और खासकर यह भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का, प्रस्तावना में पहले न्याय आता है या पहले समानताएं आती हैं या पहले स्वतंत्रताएं आती हैं। ये सब चीजें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई है। प्रस्तावना की क्लास अपनी यहां तक ही होगी, ठीक है। थोड़ी छोटी क्लास होती है प्रस्तावना की, क्योंकि प्रस्तावना के बीच में और कोई बिंदु नहीं मिलाना चाहता दोस्तों, क्योंकि अपने स्टडी परिवार का यही मानना है कि आपकी जो पढ़ाई है वो निरंतर चलती रहे, आरामदेह चलती रहे, और जितना आपको पढ़ाया जाए पूरा डिटेलिंग से कार्यक्रम बताया जाए कि कैसे संविधान सभा ने प्रस्तावना के ऊपर विचार विमर्श किया, मैंने उस पर बात की, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बातचीत की, मैंने उसकी बात भी आपसे की, मैंने आपसे केशवानंद भारती की बात की, मैंने आपसे बेरुबारी की बात की, ठीक है, इन सब चीजों की बात की। और अब मैं क्या चाहता हूं आपसे, मैं ये चाहता हूं कि अब तक जितने भी अपन ने टॉपिक पढ़े आप उनकी एक बार रिविजन जरूर करें, और रिविजन करने के बाद आप आगे की क्लास में आए, क्योंकि अगले क्लास में आओगे तो आपको पता रहेगा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं अपन संविधान में पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार का न्याय अपन जो है वो स्वतंत्रताओं में पढ़ने, वो उसमें प्रस्तावना में पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार की जो समानता है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इन चीजों जो ये सारी आएंगी, जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, इन बातों की चर्चा जो होगी कहीं ना कहीं इनसे मिलती जुलती होगी। और कहीं ना कहीं जो यहाँ चीज लिखा हुआ है समानता, उन समानताओं का उल्लेख और कहाँ कहाँ है, जब तक यहां समझ में नहीं आएगा वो चीज कहीं भी समझ में नहीं आएगी मेरे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपके इस प्यारे से मित्र को आज्ञा दीजिए, आज की क्लास यहीं तक होगी। माफी चाहते हैं, केवल आज आपको केवल प्रस्तावना बताई जाएगी। अगली क्लास अपनी अनुसूचियों के संदर्भ में होगी, तो अनुसूची आप एक बार पढ़ें, उसके बाद क्लास लेने बैठे, अनुसूचियों को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।